वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब होंगे। क्या बताऊँ आप लोगों को कि मतलब यूट्यूब चैनल बना के उस पर क्या काम करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो मैंने भी एक शौकियन यूट्यूब चैनल बनाया है ताकि मैं अपने डेली बेसिस पे नया वीडियोस अपलोड करता चलूँ, आप लोगों को शेयर करता चलूँ। इसीलिए मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया है ताकि मैं डेली सुबह सुबह उठ के क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ वो आप लोगों को शेयर करता चलूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भरपूर मेरा सपोर्ट करें और मेरी यूट्यूब को ग्रो अप करने में मेरी हेल्प करें। तो चलिए आप लोगों को मैं अपना सेटअप बताता चलूँ। मेरा शौक भी है कि मुर्गियाँ पालना, नस्ली नस्ली मुर्गियाँ पालना मेरा शौक है। तो मैंने एक छोटा सा सेटअप बना लिया है, मुर्गियों का एक फॉर्म बनाया है। मैं डेली बेसिस पे उनकी देखभाल करता हूँ, उनको खुराक देता हूँ। आज भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं अपने मुर्गियों को डेली किस तरह उनकी देखभाल करता हूँ, उनको दाना देता हूँ। देखते रहिएगा मेरा यूट्यूब चैनल। तो अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप लोगों को आते रहे। थैंक यू। तो आइए दोस्तों, आप लोगों को मैं अपना फॉर्म दिखाता चलो मुर्गियों का। तो ये देख रहे हैं आप मेरा छोटा सा सेटअप मुर्गियों का जो मैंने बना लिया है। तो ये देखिए, ये मैंने इस तरह बंद कर दिया है ताकि आगे का जो गार्डन है वो ख़राब ना करें, ये बस यहाँ तक महदूद रहें। तो ये हैं मेरे नस्ली नस्ली मुर्गियाँ। ये टर्की का नस्ल है जो कि आप देख सकते हैं कितना बड़ा है, अभी जवान है, बड़ा नहीं हो गया। ये देखिए इसका रूप देखिए, जैसे मस्ती से चल रहा है। ये हैं मेरे मुर्गियाँ। तो अभी मैं मुर्गियों को दाना डालता हूँ, आप देखें। ये देखिए मेरी मुर्गियों को, ये जो है वाइट लड़ाओ भी कहते हैं इसको, वाइट लड़ा देख सकते हैं। तो सारे लड़ाओ को मेरे पास, सारे लड़ाओ को आप लोग देख सकते हैं। और मेरे पास कबूतर भी हैं, ये कबूतर देख सकते हो आप लोग। ये गाय का बच्चा, हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, गाय बकरी बेड नहीं है हमारे पास, नस्ले बकरी, ये भी पीतल नस्ल का बकरी आप लोग देख सकते हैं। मेरा ये है छोटा सा सेटअप जो कि मैंने बाहर से बनाया हुआ है। अब मुर्गियों का अंदर का सेटअप आप लोगों को दिखाता चलूँ। ये तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, लोग देख सकते हो अंदर से मुर्गियों का सेटअप मेरा। ये मैंने फ्लोर बनाया हुआ है, ये देखिए, ये मुर्गियों का सेटअप मेरा। नस्ली मुर्गियाँ मैं इधर अलग अलग करके ब्रीडिंग के लिए रखता हूँ। ये देखिए, ये है पफ, जो कि अभी बच्चे हैं, बड़े नहीं हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हो बच्चे हैं, ये पफ गोल्डन पफ, ये देखिए। अच्छा, तो आप लोगों का भी मैं अपने कबूतर का सेटअप दिखाता हूँ। मेरे कबूतर, ये देखिए मेरे कबूतर, ये नस्ली नहीं है, देसी है, देसी कबूतर है। ये देखिए इसमें अंडा डाला हुआ है, बैठा हुआ। ये देखिए, ये सेटअप दिया है। तो व्यूवर्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। देखते रहिएगा मेरा यूट्यूब चैनल अमराज ऑफिशियल।
यूट्यूब चैनल है, चैनल का नाम है मेरा। तो अगर आप लोग नहीं हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर न्यू वीडियोस की अपडेट और नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे।